हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज़ एवरी वन? सो यू ऑल मस्ट हैव डन एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. मूविंग फर्दर टुडे वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.7. सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर वर्क. एक्सरसाइज 3.7, पुट टुडेज डेट पेज नंबर. मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 4. It says, mother bought 432 bananas. She distributed 130 bananas among needy people. Mother bought 216 more bananas. How many bananas are left now? Now this question has two parts. पहले mother ने bananas buy करे कितने 432 130 उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. फिर मदर ने फिर से 216 बनानास और ख़रीदे. सो हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, देन वी विल ऐड. ओके, लेट सी हाउ वी विल डू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मदर बॉट बनानास is equal to mother distributed bananas is equal to. Okay, now the this column of 100 tens and ones place value column we will put. How many bananas mother bought? 432. How many has she distributed? 130 she has distributed. So first we have to find out how many are left. Left means subtraction, minus sign we will put. Here we will write bananas left. Now 2 minus 0 is 2, 3 minus 3 is 0, 4 minus 1 is 3. So how many bananas left? 302. Now the next step is to add. Mother bought bananas. Second time how many bananas has she bought? दूसरी बार भी खरीदे ना, कितने खरीदे? 216. देन बनानास लेफ्ट, यहां पे कितने रह गए थे? बनानास लेफ्ट इज हाउ मच? इक्वल टू 302. नाउ हाउ मच टोटल लेफ्ट? अब माइनस नहीं करना है, नाउ अब ऐड करना है, क्योंकि यहां पे खरीद ली है, ये पहले से थे. तो टोटल बनानास लेफ्ट विथ मदर इज इक्वल टू 6 + 2 = 8, 1 + 0 = 1, 2 + 3 = 5. आंसर यू विल राइट 518 bananas left in total. Clear? Next question is, what's the difference between the smallest and the largest 4-digit number? Okay, so here we will write the question like this. Then लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 4-digit नंबर 9999 यही होता है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर? वी ऑल नो, टेल मी. 1000, राइट. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस पूछा है, व्हाट साइन वी विल पुट? माइनस. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. 9 - 0 = 9, 9 - again
Again, 9 minus 1 is 8. So, in answer, we will write it as 8,999 is the difference. Okay. Next is question number 6. Find by how much is 5,240 greater than 3,565? क्या find out करना है? ये number इस number से कितना बड़ा है? Like, अगर मैं if I say कि 5 3 से कितना बड़ा है? तो हम क्या करेंगे? 3 के बाद count करेंगे ना? 3 के बाद count करना है. We will count after 3, 4, 5. So, जो 5 है वो 3 से 2 बड़ा है. ठीक है, 2 काउंट बड़ा है. सो हियर आल्सो वी विल डू, हमने सबट्रैक्शन किया, हियर आल्सो वी विल डू सबट्रैक्शन. ग्रेटर नंबर वी विल राइट डाउन हियर, दैट इज 5,240 एंड द स्मॉलर नंबर इज 3,565. कितना बड़ा है पूछा है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट. ना कैन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0? नो. सो वी विल बोरो, दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 10, 10 माइनस 5 इज 5, वी कांट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर. सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 13, 13 माइनस 6 इज 7, अगेन वी कांट सब्ट्रैक्ट, देन अगेन वी विल बोरो, दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 11, 11 माइनस 5 इज 6, 4 माइनस 3 इज 1. So the difference is 1,675. Here we will write 1,675 is the difference. Okay. Look at question number 7. It says 8,598 person visited a book fair on the first 3 days of the week. फर्स्ट थ्री डेज में कितने लोगों ने विजिट किया? 8,598. ये टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू बुक फेयर इन थ्री डेज, ये दिया हुआ. इफ 2,317 एंड 1,675 पर्सन विजिटेड द बुक फेयर ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे रिस्पेक्टिवली. अगर इतने और इतने लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड डे विजिट किया, हाउ मैनी पर्सन विजिटेड द बुक फेयर ऑन द थर्ड डे? थर्ड डे का हमें नहीं दिया है, तो कितने लोगों ने थर्ड डे विजिट किया हमें ये निकालना है. तो उसके लिए हमें टू स्टेप्स में करना होगा. फर्स्ट वी विल सी कि टू डेज में कितने लोग गए, टू डेज में कितने लोग गए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू एड. ओके, सो वॉट वी विल राइट डाउन हियर, वी विल राइट नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन फर्स्ट डे कितना है, दैट इज 2,317. Okay? Then number of people visited on second day. How much it is? 1,675. Okay? तो इससे हमारा क्या निकलेगा आंसर? Number of people visited in 2 days. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? इसको add करना है. Remember, यहाँ पे 2 days को add करेंगे, total में से subtract करेंगे, then only we will get the answer. So 7 plus 5 is 12, 1 we will carry, 1 plus 1 is 2, 2 plus 7 is 9, 3 plus 6 is 9 again, 2 plus 1 is 3. So how many people visited in 2 days? 3,992. Now the next step is, total people visited in 3 days. सबसे पहली line क्या थी, कितने लोगों ने visit किया 3 days में? 8,598. Then number of people visited in 2 days, ये हमने अभी अभी निकाला है. 2 days में कितने लोग ने विजिट किया, तो इससे हमारा क्या निकलेगा? 3,992. अब इससे हमें निकालना है कि थर्ड डे में कितने ने विजिट किया होगा, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, वी विल subtract. So we will put the sign of minus. Now we have to subtract. 8 minus 2 is 6, 9 minus 9 is 0,
5 minus 9 we can't do, we will borrow, this becomes 5, this becomes 15, 15 minus 9 is 6, and 7 minus 3 is 4. So, number of person visited to book fair is how much? 4,606 persons visited book fair on 3rd day. Clear? Now students, all of you complete exercise 3.7 in your maths fair notebook. Do your work very neatly, and if you have any confusion, you may call me or message me. The mental maths book work we are going to do later on. After this, we will start with our next chapter, that is shapes. Okay? So complete your chapter subtraction in your fair notebook and book work very neatly. Till then, bye bye and take care.